विजय हासिल की। एक ऐसे नेता को जिसने सादगी, ईमानदारी और शुचिता की मिसाल कायम की। इन दोनों महान राजनेताओं से आज भी हम प्रेरणा ले रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो रही है, हम सब प्रेरित हो रहे हैं कि किस तरह से अपने जीवन में मूल्यों को आत्मसात करते हुए, किस तरह से सादगी को आत्मसात करते हुए, किस तरह से ईमानदारी को अपनाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आज महात्मा गांधी के साथ साथ देश अपने एक और सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, उनसे प्रेरणा पा रहा है, उनको याद कर रहा है, उन्हें उनका पुण्य स्मरण कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने देश को संकट के समय में मार्गदर्शन दिया, उसका नेतृत्व प्रदान किया। और यही वजह है कि आज पूरा राष्ट्र उनको कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनको धन्यवाद अर्पित कर रहा है, उनसे प्रेरणा पा रहा है। वो उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, उनको जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ा जा सकता है। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री के परिजन भी मौजूद हैं, उनके पुत्र अनिल शास्त्री भी मौजूद हैं और कुछ अन्य गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे राष्ट्रपिता जिस पर राष्ट्रपति रामदास को रामनाथ कोविंद गुफ्तगू करते हुए, उनसे विचार विमर्श करते हुए राष्ट्रपति ने उन पुण्य स्मरण किया लाल बहादुर।